जी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कहता है रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड, इट्स मीन कि आपको क्वेश्चन सिंगल एंट्री से सॉल्व करना है। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2016। ये जितने भी कंडीशन बताई गई है ये उसकी ओपनिंग कंडीशन है कि 1 जनवरी को उसके बिजनेस की ये कंडीशन थी। तो जो क्रेडिटर के नीचे आपको कैपिटल अवेलेबल है ये आपका कौन सा कैपिटल होगा? ओपनिंग कैपिटल। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर, ये जो पोजीशन बताई है इसकी हेल्प से हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकेंगे। ही विदड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 9000। अच्छा जी, वो कहते हैं साल में ना उसने 9000 विदड्रा किया। इट्स मीन कि आपकी ड्राइंग 9000 से है। आउट ऑफ विच का मतलब है उस 9000 में से ही स्पेंड रुपीज़ 6000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर बिजनेस यूज़। उसने उस 9000 में से 6000 की कार परचेज़ कर ली और वो कार किसके यूज़ में है? बिजनेस के यूज़ में। अगर तो पर्सनल यूज़ होता तो 9 का 9 ड्राइंग होता। अब 9000 में से 6000 का एसेट परचेज़ कर लिए, जस्ट 3000 आपकी ड्राइंग है। प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटर्मन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, नेट प्रॉफिट बनाना है। एडजस्टमेंट वो बता रहा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर और मोटर कार के ऊपर 10% है, राइट ऑफ बैड डेट्स 200 है एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। मीन कहता है कि जो डेटर्स की अमाउंट है, जो अमाउंट हमने रिसीव करनी है, उसमें से पहले आप राइट ऑफ मीन माइनस कर लें 200 बैड डेट्स का, जो देन प्रीवियस अमाउंट है उसके ऊपर आप 5% डाउटफुल डेट्स मेनटेन करें। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 9000 हमें ड्राइंग दी गई है बट 6000 से एसेट परचेज के लिए, तो हमारी ड्राइंग कितने से रह गई? 3000 से। मोटर कार हमने 6000 की परचेज कर ली, ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एडजस्टमेंट है। जब मैंने आपको क्या बताया था कि ओपनिंग और कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। अगर ये वैल्यूज़ आपको पता हैं तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा। ओपनिंग चूँकि हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्लोजिंग में आते हैं। क्लोजिंग में कैश इन हैंड आपको 500 दिया गया है, कैश एट बैंक 5000 है, स्टॉक 6000 से है, डेटर क्लोजिंग डाटा में आपको 4600 के दिए गए, इसमें से पहले आपने 200 लेस कर रहे हैं। ये भी आपके एडजस्टमेंट में, आपके पास रिमेनिंग 4400 आ जाएगा। 4400 का आपने 5% प्रोविजन लेना है, वो 220 आ गया। 4400 में से जब आप 220 लेस करेंगे तो 4180 आपके पास रिमेनिंग डेटर्स हैं। फर्नीचर आपका 1500 से, आप उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 10%, 1500 का 10% आपके पास क्या आ जाएगा? 150। तो 1350 आपके पास क्या हो गई? डेप्रिसिएशन होगी फर्नीचर। आफ्टर डेप्रिसिएशन फर्नीचर आपके पास 1350 का एट द एंड ऑफ ईयर। मोटर कार आपने ड्यूरिंग द ईयर 6000 की ली थी, इसका 10% 600 बनता है। सो जब आप 6000 में से 600 लेस करते हैं रिमेनिंग अमाउंट 54 आ गई। क्रेडिटर्स आपको 6000 अवेलेबल है क्वेश्चन में। एसेट साइड का हम टोटल करते हैं तो 22430 आता है। इसमें से जब हम क्रेडिटर्स को लेस करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारे पास, ये हमारा क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। 16430 हमारा क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। जी अब हमने क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर लिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स 3000, जब इन दोनों को ऐड किया तो 19430 आ गया। इसमें हमारे पास फ्रेश कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट और कैपिटल भी नहीं है, तो जस्ट ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे 12000, तो हमारे पास 7430 रुपीज़ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बैलेंस शीट रहती है अभी। सेम लाइक दैट, जैसे एसेट साइड है ये एज इट इज साइड को आपने कॉपी कर लेना है नीचे। लायबिलिटी साइड पे जस्ट डिफरेंस होगा, क्रेडिटर्स तो डेफिनेटली आप लिखेंगे। यहाँ पे आप कैपिटल ओपनिंग लिखेंगे 12000, इसमें आप ऐड करेंगे प्रॉफिट जो क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी हमारे पास आया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ये आपने फाइनल अकाउंट I.Com पार्ट 1 में कर भी लिया स्केच के आप बैलेंस शीट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल दोनों आपस में इक्वल होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं सगीर इज नॉट राइटिंग हिज बुक प्रॉपरली. सगीर ने अपनी बुक्स जो हैं वो प्रॉपरली राइट नहीं की, तो इसका मतलब ये है सिंगल एंट्री सिस्टम. एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें बिजनेसमैन प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बुक्स मेंटेन नहीं करता. तो उसको हम यही कहते हैं कि नोट बुक्स मेंटेन प्रॉपरली, नोट बुक्स राइटिंग प्रॉपरली, या डबल एंट्री से रिकॉर्ड नहीं की, तो इट्स मीन कि उसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री से क्वेश्चन को सॉल्व किया. अगर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग. अच्छा जी, ये 1 जुलाई 2016 की स्टेटमेंट है, ये 36 2017 की है. तो पहले ये वाली डेटा, इट्स मीन कि इस डाटा से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल. इस डाटा से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल. एक और बात मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन में नीचे, ये जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं ओपनिंग में किसी भी एडजस्टमेंट को नहीं एडजस्ट किया जाता, सारी की सारी एडजस्टमेंट को कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, क्लोजिंग में. अच्छा, जिसके बाद कहते हैं ड्राइंग 4800 है, ठीक है. डेप्रिसिएशन आपने 10% लेनी है फर्नीचर के ऊपर, ओके. कहते हैं कि मोटर वैन आपका एसेट है, इसको आपने 800 से रिड्यूस कर देना है, राइट ऑफ का मतलब, ठीक है जी, कर देंगे. फिर कह रहे हैं प्रोवाइड ₹1000 एज बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स. फिर वो कह रहे हैं 1000 के आपके बैड डेट्स हैं, मीन जो अमाउंट हमारी डूब चुकी, डेटर्स में से हमारी अमाउंट है जो डूबती है, और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसके ऊपर आपने 5% रिजर्व ले लेना है. और उसके बाद वो कह रहा है प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹1600 ऑन बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल के ऊपर भी आपने अपना ले लेना है. इसमें हमें देखिए ओपनिंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग भी. तो इस सारे पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ओपनिंग की तरफ जाएंगे. ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं किया, सिंपली एसेट सारे लिस्ट किए. देन लाइबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखा है. बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन आपने बैंक से, आप जस्ट यही समझ लें कि लोन लिया हुआ है, ये आपने बैंक को रिटर्न करना होता है. जब एसेट्स में से ये दो लाइबिलिटीज़ वैल्यू आप लेस करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर है ये है आपका ओपनिंग कैपिटल. अब हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं. क्लोजिंग में कैश इन हैंड आपके पास अवेलेबल है, डेटर्स देखें 21,400 के क्लोजिंग वैल्यू में दिए हुए होंगे. वो ये बोल रहा है कि आपकी 1000 बैड डेट्स हो चुकी है, इट्स मीन अब आपके डेटा रह गए हैं 20,400 के. इसमें से भी वो बोल रहा है लेस रिजर्व ऑन डेटर्स, के आप इसके ऊपर रिजर्व मेंटेन करें. 5% रिजर्व उसने बोला था कि आप अपना जो रिजर्व है वो इसके ऊपर मेंटेन कर लें. तो जो रिमेनिंग वैल्यू है लेस करने के बाद 1000 डेटर्स लेस करने के बाद इसका 5% लेना, 20,400 का वो 1020 आया. जब हम इसमें से 1020 लेस करते हैं तो 19,380 आपका क्या है, एसेट है. इसके बाद स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल है 37,400 से, बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में 28,000 से दिए हुए. इसके ऊपर भी उसने बोला था रिजर्व मेंटेन करें. जब आप इसमें से भी रिजर्व वैल्यू लेस करते हैं तो ये वाली वैल्यू आपकी रिमेनिंग है. मोटर वैन 4200 से आपकी, इसमें से आप 800 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 3400 आपकी रिमेनिंग वैल्यू है. फर्नीचर आपका 3400 से, इसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो ये वैल्यू है. इधर क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दिए गए, इन सब में से जब आप ये लेस करते हैं तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है. देन आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स, तो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर ये वाली वैल्यू आ गई. इस क्वेश्चन में भी जस्ट आपके पास ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है, फ्रेश भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो हमने जो फ्रेश कैपिटल कैलकुलेट किया वो इसमें से लेस किया, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन था 9.